तुम्हारे अब्बू बहुत अच्छे इंसान थे और मुझे खुशी है कि उन्होंने तुम्हें जो समझ दी है वो तुम अच्छे से समझ गए हो। इनफैक्ट तुम सब लोग बहुत अच्छे हो और मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं तुम लोगों की कोच हूं। बाहर निकलो, निकलो बाहर। मेरे होते हुए तुम्हारी उल्टी सीधी बातें, ये गोरख धंधे होने नहीं दूंगा मैं। बाहर निकलो। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे? खुद को समझती क्या हो? जो चाहोगी मनमानी करोगी और कोई कुछ बोलेगा नहीं। जिस बेलगाम घोड़े पर बैठकर तुम ये बगावत का बिगुल बजा रही हो ना, उसकी नकेल खींचना अच्छी तरह से आता है मुझे। समझती क्या हो अपने आप को? कृष्णचंद्र चौरस या अंधा है क्या? वो धृतराष्ट्र बने आंखें मूंद कर सब कुछ चलने देगा। पंडित जी, पंडित जी, क्यों चिल्ला रहे पंडित जी? इतना चिल्लाना तबीयत के लिए अच्छा नहीं है। अरे मेहमान है घर पे। मेहमान? इन्हें तुम मेहमान कहती हो? जानती हो बरसों पुरानी मर्यादा और परंपरा तोड़ रही हो तुम। दूसरे धर्म के बच्चों को यहाँ बुलाकर, वो भी तुम्हारे अपने घर में 56 भोग की दावत देकर। ये मेरे स्टूडेंट्स हैं और उनकी जाति और धर्म सिर्फ स्टूडेंट ही है। मेरे लिए सब बराबर है, कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, सब एक है। एक नहीं है, इसीलिए महाभारत है बरसों से इस बुलंद गेट में। इनका इस मोहल्ले में आना वर्जित है, जानते हैं ये लोग, फिर भी आज चले आए मुंह उठाकर सीना तान कर इस मोहल्ले को पवित्र करने, हमें नीचा दिखाने। लेकिन अब एक सेकंड इनका यहां रहना मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। चलो निकालो इन्हें, बाहर करो इन्हें। शांत शांत हो जाइए पंडित जी, शांत हो जाइए, अंदर आके शांति से बात करते आइए। मैं अंदर आऊं? हाँ। राम राम राम। अंदर बुलाना चाहती हो ना तुम मुझे, तो पहले इन सबको बाहर का रास्ता दिखाओ और फिर जो माहौल, ये मोहल्ला जो अपवित्र किया इन्होंने, गढ़ गंगा के जल से शुद्ध करना होगा। उसके बाद मैं तुम्हारी रामायण सुनूंगा। लेकिन अभी इसी क्षण निकालो इन्हें, मेरे लिए यहाँ सांस लेना मुश्किल हो गया है क्योंकि इनकी वजह से हवा दूषित हो गई है यहाँ की। बस बहुत हो गया, बस। लीजिए डायल कीजिए 100, बुलाइए पुलिस को, बता दीजिए पुलिस को कि आपके मोहल्ले में कितनी बड़ी गैर कानूनी घटना घट रही है। अरे ऐसे हो ही कैसे सकता है, दो अलग अलग धर्म के बच्चे आपके मोहल्ले में एक छत के नीचे एक साथ खाना खा रहे हैं। अरे बाप रे बाप पंडित जी, दीजिए बता दीजिए। और अगर पुलिस ये कहती है कि ये घटना गैर कानूनी है तो फिर उनसे कहिए कि आके मुझे गिरफ्तार करें। लगाइए फोन और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बुला लीजिए ताकि आपको चैन की सांस लेने में आसानी हो। चौरसिया जी, आप बड़े बुजुर्ग हैं इसलिए आपका लिहाज करके शिष्टाचार से पेश आ रही हूँ आपके साथ, लेकिन मेरे इस शिष्टाचार को मेरी कमजोरी मत समझना। शिष्टा तो आप भूल गए अपनी, इसीलिए मेरे मेहमानों की पूरे मोहल्ले में इंसल्ट कर रहे हैं आप। अब लीजिए फोन कीजिए पुलिस को,
100100 अपने घर पे बच्चों को खाने पे बुलाना ये अपराध नहीं है, कुछ नहीं किया मैंने, और किसी भी देश का कानून या धर्म इसे अपराध नहीं कहता। अरे अपराध तो आपने किया है, एक अकेली औरत के घर के सामने तमाशा खड़ा करना, जोर जोर से चिल्लाना, यहाँ से निकल जा, बाहर हो जा, ऐसे शब्दों का उपयोग करके मुझे और इन बच्चों को डराना, धमकाना, ये अपराध है आपके। और अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, नम्रता से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप यहाँ से चले जाइए। अब अगर आप यहाँ से नहीं गए ना, तो मजबूरन मुझे पुलिस बुलानी पड़ेगी। और आपके अपराधों की लिस्ट तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। भाई मान गए सर, मैडम जी तो मेरी मम्मी से भी तेज निकली। सही बोल रहा है बाजी, ये तो जोर कर मार दिया है कोच मैडम ने पंडित जी को, एक हवाई उड़ गई उनकी। वाह लफाजी और दीपा पोती में तो तुम्हारा जवाब नहीं है, लेकिन क्या सही है क्या गलत है वो तुम ना समझो को समझाना न केवल मेरा फर्ज है बल्कि हक है मेरा। पाप कर रही हो तुम इन्हें बुलाकर। आप अपने पाप और पुण्य को लेकर यहाँ से जा रहे हैं या नहीं? क्या बात है? कुछ नहीं बेग साहब, पंडित जी का ये प्रॉब्लम है कि हमारे बच्चे यहाँ हैं। नमस्कार पंडित, बीच में बोलने के लिए माफी चाहता हूँ। पंडित जी अगर हम लोग अपने अपने धर्म के बारे में सोचेंगे तो देश का क्या होगा? हमारे बदलते बिगड़ते हालात और माहौल को दुरुस्त करने के लिए हमें हवा बदलनी पड़ेगी, और धारा की सोच उस दुरुस्त हवा की तरफ पहला कदम है। अगर हमें शहर को अच्छा भविष्य देना है तो हमें धारा का साथ देना होगा। और आप तो कलाकार हैं पंडित जी, और कलाकार का कोई धर्म नहीं होता, आपके मुंह से ये सब बातें शोभा नहीं देती। ओ मौलाना साहब, ये किताबी बातें अपने बच्चों को सिखाना, इस मोहल्ले की बातों में अपनी नाक मत अड़ाओ। जिस बदलाव की बात कर रहे हो ना आप, वो बदलाव यहां मैं होने नहीं दूंगा। और तुम, तुम्हें ऐसा लगता है ना कि तुम्हारी सोच की वजह से हमारा विश्वास हमारा धर्म बदल जाएगा, तो ये तुम्हारी भूल है। छोटी उम्र की हो अभी अच्छे बुरे का ख्याल नहीं है, लेकिन मैं कृष्ण चंद्र चौरसिया तुम्हारी हर भूल के सामने खड़ा रहूंगा और तुम्हारे भटके हुए दिमाग की अकल ठिकाने लाकर रहूंगा। ये प्रण है हमारा तुमसे, और ये सारे लोग जो ये हमारी बातें सुन रहे हैं ना, वो साक्षी है हमारे प्रण के। पंडित जी आपके प्रण से एक किस्सा याद आ गया। रामायण में जब सागर सेतु का निर्माण हो रहा था, एक छोटी सी गिलहरी ने ये सोचा कि भाई मुझे भी योगदान देना चाहिए, तो श्री राम के पास पहुंची और अपने आप को पेश किया। ये देख के सारी वानर सेना हंसने लगी और उसका मजाक उड़ाने लगी, भाई इतनी छोटी सी पिद्दी गिलहरी वो क्या मदद करेगी, बिल्कुल बेकार है। इस पर श्री राम ने वानर सेना को रोका, गिलहरी का शुक्रिया अदा किया, उसकी तारीफ की, फिर वो बोले चीज चाहे कितनी भी छोटी हो अगर कुछ करने का साहस और जुनून अगर है, उसके सामने बड़ी से बड़ी पीड़ा है बाधा है सब छोटी हो जाती है। उन्होंने उस गिलहरी का शुक्रिया अदा किया और तारीफ की, देख के वानर सेना बड़ी लज्जित हुई। पंडित जी जुनून के सामने तो ऊपर वाला भी झुक जाता है, हम लोग तो तिनका मात्र है। जुनून की हवा बड़ी भारी होती है पंडित जी, उसके सामने कोई नहीं टिकता, इसलिए आपसे गुजारिश करते हैं कि शांत हो जाइए। चौरसिया जी, ये दूसरी कौम और तीसरी कौम तो इंसान ने बनाई है, भगवान ने तो सिर्फ एक जात बनाई है इंसान, और एक ही धर्म बनाया है इंसानियत। तभी तो भगवान श्री राम ने शबरी के पैर खाए थे। आप इतने काबिल और समझदार आदमी हैं, इस अर्थ और अनर्थ के चक्कर में मत पड़िए। अनर्थ हुआ ही कहाँ है, और जिस दिन अनर्थ होगा ना उस दिन मैं यहाँ आऊंगा और याद दिलाऊंगा मैं आप सबको आज का दिन और आज की यह घटना, और अनर्थ होके रहेगा।
चलिए आप लोग चलिए, अपने अपने घर चलिए। सर आइए अंदर। अंदर बैठ। चल दीदी चलो चलो चाहिए, मैं संभालती हूँ। मैंने ऐसे क्यों खड़े हो सर, बैठो। कुछ नहीं हुआ। अरे कुछ नहीं हुआ है, बैठो रिलैक्स करो। मैं हूं ना शुभांगी, बशीर भैया के साथ खेलो, मैं आती हूँ 2 मिनट में। रिलैक्स करो तुम लोग। स्कूल में मजा आया? इंग्लिश क्लास थी ना? अच्छा टीचर ने ना टीचर को बिठूर था। उनको कुछ आता ही नहीं है ना, पागल है। आपको सब आता है ना? सब अच्छे से आता है। और फ्रेंड्स बने ना? आप लोग स्कूल के नहीं आए और मम्मा आप भी नहीं आई। क्योंकि हम सब मिलकर यहाँ आज कुछ खास बनाने की तैयारी कर रहे हैं, जो तुम्हें बहुत अच्छा लगता है। गेस करो, सरप्राइज है। भेल। करेक्ट, भेल। तुम्हें बहुत पसंद है ना? आज हम सब मिलके भेल खाएंगे। मम्मा भूख लगी है, भेल खिलाना। अरे भूख तो सबको लगी है, लेकिन ऐसे ही भेल हाथ में नहीं आएगी ना, बनानी पड़ेगी। तो चलो, तुम लोग खड़े क्यों हो? चलो काम करो जो कर रहे थे। आज अगर पूरी टीम होती तो बहुत मजा आता। मनोज और रजाक। सिर्फ मनोज और रजाक नहीं, और एक तीसरा भी है। तीसरा कौन? शुभांगी जाओ कपड़े बदल लो, भागो भागो भागो। आइए वो ये ठीक नहीं है, हम लोग यहाँ बैठ के मजे कर रहे हैं और हमारा 12th फैन वहां अकेला है। तुम लोग भूल कैसे गए उसे? मैडम अब तो भेल 12th फैन के साथ ही खाएंगे। तो जाओ लेके आओ उसे। अरे यहाँ ताला लगा यार। वीर वीर किसने बंद किया तुझे? और चाबी किधर है? मामा ताला लगा के गए और चाबी भी उन्हीं के पास है। ऐसे कैसे ले गए यार चाबी? चलो भाई वीर के मामा से बात करते हैं। अबे बात क्या करेंगे, देख ये ताला इसलिए लगाया ताकि वो हमसे मिल ना सके। अंदर लेके जाओ और अंदर कलरिंग कर, जाओ भागो भागो भागो। गुड गर्ल। समझ में नहीं आ रहा ये पंडित जी इतना गुस्सा क्यों हो गए। उनके जैसे बुजुर्ग आदमी से ऐसा बर्ताव मुझे सच में एक्सपेक्टेड नहीं था। ऐसे गुस्से से थर थर कांप रहे थे। हाँ मैंने इतना क्या गलत कर दिया? और बच्चे भी जरा भी बंदिशें और रुकावटें तो आती रही। अरे लेकिन फिर मुझे पूरा यकीन है तुम पर और ऊपर वाले पर। जिस तरह से आज तुमने उनका सामना किया, आगे भी हमारे सामने जो भी रुकावटें आएगी तुम उनका सामना करोगे। बस बेखौफ निडर होकर डटी रहो। क्या कर रहा है? किसी के पास कोई पॉइंटेड चीज है? क्यों चाहिए तुझे? अरे है क्या? नहीं है। नहीं। अरे क्या हुआ तुझे? क्या हुआ यार? ये तुम जो कर रही हो ना वो इतिहास रचेगा इस मोहल्ले में, इस शहर में, यही नहीं पूरे देश में, पूरी दुनिया में।
वीर नहीं आया, वीर कहाँ है? मैडम जी मेरे लगता है ताला तोड़ना पड़ेगा, वीर क्या हम उसको बंद करके गए हैं। क्या तो अब क्या करेंगे? कोच मैडम आपके इस बालों में लगाने वाला पिन, नेल कटर या कोई भी पॉइंटेड चीज है क्या? इन सारी चीजों से क्या करोगे तुम? अगर मिल जाए तो ताला तोड़ना नहीं पड़ेगा। ओ वाह वाह बेटा वाह। क्या बेटा ये गुरु तुमने कहाँ से सीखा है? सर बस सीख लिया, अगर पिन मिल जाए तो ताला मैं खोल सकता हूँ। मैडम जल्दी से कुछ पिन दीजिए ना। आपस में जोड़ने के चक्कर में हम तो घर तोड़ने पर उतर आए, कहीं गड़बड़ ना हो जाए। कुछ नहीं होगा मिश्रा जी, दिल जोड़ने के लिए कभी कभी ताले तोड़ने पड़ते हैं। और इन्हें साथ लाने के लिए कोई भी हथकंडा अपनाना मुझे मंजूर है। चलो 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 जल्दी आ जाओ, आ जाओ आ जाओ। अरे वाह ये तो हो गया, अब मिक्स करो जल्दी से। अरे भगवान सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो रह गई। अब क्या मैडम जी? बशीर जाओ ना रुद्रा दीदी के घर से धनिया लेके आओ, भागो जल्दी जाओ कर दो, वो लेके आएगा तो फिर करेंगे बात। निकालो निकालो निकालो। बशीर आओ ना अंदर आओ। नहीं वो कोच मैडम ने थोड़ा धनिया मंगाया। लाती हूँ। और अम्मी कैसी हैं? हाँ जी ठीक है। अरे बशीर तुम? सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम सलाम, सब ठीक तो है ना? हाँ जी बस थोड़ा सा धनिया लेने आया था। अब एक सेकंड यहीं रुकना, एक सेकंड। ये तुम्हारे लिए। अरे खोल के देखो। ये तो अरे ये बहुत खास जर्सी है मेरी, इसे पहनकर ना बहुत मैचेस जीते मैंने, लकी शर्ट है मेरी। अभी खेलता नहीं हूं तो पहनता नहीं हूं इसे, और वैसे भी अब मुझे फिट भी नहीं आएगी। ये तुम्हारे लिए, इसे पहनकर खेलोगे ना बहुत खुशी होगी मुझे।
वैसे थोड़ी पुरानी है। नहीं, मुझे पता है आपके लिए इसकी क्या कीमत है, और फिर भी आप मुझे दे रहे हैं। मेरे अब्बा कहा करते थे कि किसी भी चीज की कीमत उसके पैसों से नहीं तोली जाती, उसके इरादों से तोली जाती। शुक्रिया। मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।